गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। 18 जनवरी आनंद रत्नाकर भगवान की लीला का रहस्य ग्रंथ का नाम है, जिसमें से आज का पृष्ठ लिया गया है। भगवान के 5 अवतार। परम पूज्य महर्षि ने गीता प्रेस में जब महर्षि थे तो बहुत से छोटे छोटे ग्रंथ छपे थे, भक्तराज हनुमान, विदुर, उद्धव, भीष्म पितामह, द्रौपदी। तो उस समय महर्षि के लेख बहुत छपते थे कल्याण में। तो भगवान के अवतार तो कई हैं, पर वामन अवतार, मत्स्य अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार और एक और अवतार, मतलब कृष्ण और राम को छोड़ के। तो इन 5 अवतारों का वर्णन महर्षि ने संक्षेप में करीब करीब 25-30 पृष्ठों में प्रत्येक अवतार के बारे में। तो मत्स्यावतार के संदर्भ में, मत्स्यावतार की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में भी आई है। तो वहाँ भगवान जिस किसी रूप में है, वराहावतार की भी कथा है पर वहाँ बहुत संक्षेप में है। वाराह पुराण है व्यास जी ने, तो वहाँ बड़े विस्तार में पुराण में वराह भगवान ने क्या ज्ञान दिया। ऐसे ही मत्स्य पुराण, 18 पुराणों में मत्स्य पुराण की भी गणना है। तो मत्स्य पुराण में विस्तार में है, श्रीमद् भागवत महापुराण में तो बहुत ही संक्षेप में है। तो वहाँ पर मत्स्य भगवान वो राजा को ज्ञान दे रहे हैं। राजा ने मत्स्य भगवान के सिंह से नाव बांध ली है, जैसे उनको भगवान ने आदेश दिया था कि जब प्रलय होगा तब मैं मत्स्य के रूप में आऊँगा और तुम नाव में सब बीज रखना, क्योंकि बाकी तो सब समाप्त हो जाएगा, बीज रूप में ही सब रहेंगे। और उस समय भगवान मत्स्य अवतार के रूप में राजा को ज्ञान दे रहे हैं। आज के पृष्ठ में भगवान महर्षि ये बताने जा रहे हैं कि ये जो भगवान की लीलाएं हैं इनका रहस्य क्या है। तो अंत में बताएंगे, अंतिम पैराग्राफ में, कि ये रहस्य जानना कोई सामान्य बात नहीं है, तो बहुत कठिन है। और उसके साथ में एक बात और भी बताएंगे कि ये सरल भी है। तो कठिन से कठिन भी है और सरल से सरल भी है। जब भगवान के स्वरूप का अनुसंधान किया जाता है तो ये सामान्य लोगों के लिए कठिन पड़ता है, और जब भगवान की सविशेष लीलाओं का वर्णन करते हैं संत अथवा शास्त्र तो वो सरल है। तो दोनों दृष्टियाँ महर्षि बताएंगे, दोनों दृष्टियों पर प्रकाश डालेंगे। शुरू में स्वयं मत्स्य भगवान क्या कह रहे हैं राजा को वो बताएंगे। मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, जिसके हृदय में दुखी प्राणियों के प्रति दया नहीं है उसका कभी उद्धार नहीं हो सकता, वह कभी मुझे पहचान नहीं सकता, या यूं कहिए कि उसके सामने मैं कभी प्रकट नहीं हो सकता।
जिनके हृदय में दुखी प्राणियों के प्रति दया नहीं है। दया का भाव होना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि भगवान ही उस रूप में लीला कर रहे हैं। तो हम उपेक्षा कर दें, उसका तिरस्कार कर दें, उसको द्वेष दृष्टि से देखें, तो अध्यात्म मार्ग के हम लोग पथिक नहीं हैं। दया का होना एक बात है, दया के हृदय में आने से हम उसके लिए कुछ करें ये भी आवश्यक है। अगर ठाकुर जी ने सामर्थ्य दिया है तो उस व्यक्ति को कुछ करना भी चाहिए, तभी तो पता लगेगा कि दया आई। जिसके हृदय में दुखी प्राणियों के प्रति दया नहीं है, महाराज एक कथा सुनाते थे कि एक सेठ को ठाकुर जी ने स्वप्न दिया कि कल मैं तुमको दर्शन दूंगा। सेठ इतना खुश हो गया, धार्मिक था बेचारा, अपना जो भी है पाठ पूजा करते रहता था, बड़ा खुश हो गया कि ठाकुर जी ने स्वप्न में कहा कि मैं कल दर्शन दूंगा। मार सफाई और सजावट और है ना अपने पूजा मंदिर का है ना विशेष और भोग वगैरह आदि आदि सब सेठ ने कि आज ठाकुर जी आएंगे। करीब 8-9 बजे ठंड का समय था, ठिठुरता हुआ एक व्यक्ति आया, बड़ा गिड़गिड़ा रहा था कि कोई कंबल हो तो दे दो। दरबान को कहा कि ये लोग आते कैसे हैं अंदर, तुम देखते क्या हो? डांट लगाई दरबान को, भागो आज भगवान आने वाले हैं, सुबह पहले ही ये मंगते आने लगे। फिर दोपहर के समय कोई गरीब व्यक्ति आया कि दवा के लिए हमको कुछ सहयोग दे दे। आज पता नहीं क्या है, आज भगवान आने वाले हैं और ये सब दरिद्र लोग आ रहे हैं एक के बाद एक। ऐसे करके शाम को फिर एक कोई व्यक्ति आया, भगा दिया तीनों को। प्रतीक्षा करते रहे कि भगवान आएंगे भगवान आएंगे, नहीं आए भगवान। देखो स्वप्न में आदेश भी दिया, भगवान आए भी नहीं, सो गया। मन में यही विचार करते हुए कि देखो कह के भी नहीं आए, भगवान ने फिर स्वप्न दिया कि मैं 3-3 रूपों में आया था पर तूने मेरे को भगा दिया। परम पूज्य महाराज कह रहे हैं कि मत्स्य भगवान ने राजा को कहा कि राजन, जिसके हृदय में दुखी प्राणियों के प्रति दया नहीं है उसका कभी उद्धार नहीं हो सकता। स्पष्ट कह दिया, संभावना ही नहीं है उद्धार की। क्यों? वह कभी मुझे पहचान नहीं सकता। देखिए वो दुखी प्राणी के रूप में ठाकुर जी हैं तो बता रहे हैं ना, मत्स्य भगवान स्वयं बता रहे हैं कि वह कभी मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं? इस समय स्वयं भगवान मत्स्य के मछली के रूप में है, और की तो बात छोड़ो, भगवान राम भगवान कृष्ण परशुराम ये सब तो ठीक हैं, पर मछली के रूप में, मछली के बारे में कहते हैं कि वो सब गंदगी खा लेती है पानी में, बल्कि कुओं में मछली को इसीलिए रखा जाता है कि पानी स्वच्छ रहे, तो गंदगी रहने नहीं देती। तो ऐसा अवतार लेना ये कितनी बड़ी बात है। तो ये तो और कठिन है, पर हृदय दुखी व्यक्ति है उसको भी नहीं पहचान रहा, कैसे पहचानेगा? क्योंकि उसके दया ही नहीं है, दया माया है ही नहीं। या यूँ कहिए कि उसके सामने मैं कभी प्रकट नहीं हो सकता। अगले पैराग्राफ में बता रहे हैं, मेरे अवतार का कोई कारण नहीं हुआ करता, मैं भक्तों की भलाई के लिए अपनी इच्छा से समय समय पर स्वयं ही अवतीर्ण हुआ करता हूँ। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो अवतार हैं उसके लिए तो स्वयं भगवान ने गीता में कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते, बोलो श्लोक बोलो,
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे। स्वयं भगवान ने गीता के चौथे अध्याय में बताया है कि किस हेतु से मैं अवतार लेता हूँ, पर इस वाक्य का रहस्य ये है कि भगवान का नित्य अवतार भी है। अवतार काल में तो जो हेतु बताया है, जो कि सबको पता है, जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म के उत्थान के लिए, साधुओं के परित्राण के लिए और दुष्टों को समाप्त करने के लिए, पर जब अवतार काल नहीं है तो उस समय भी संतों ने, शास्त्रों ने बताया है कि नित्य अवतार भगवान का है संत रूप में। तो संत रूप में जब अवतार लेते हैं तो क्या कह रहे हैं कि मेरे अवतार का कोई कारण नहीं हुआ करता, यानी सदैव भगवान रहते ही हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी तो छिपकली हो, गिलहरी हो, है ना, कोई भी प्राणी हो, उसके लिए अवतार शब्द का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि सब भगवान का ही स्वरूप है। तो इसलिए एक दृष्टि से देखें तो भगवान ही सब रूपों में लीला कर रहे हैं, पर अवतार शब्द जो है वो विशिष्ट है। क्यों? क्योंकि अवतार में हमेशा ठाकुर जी बहुत बड़ा उद्धार का कार्य करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि महर्षि का अवतार हुआ, उड़िया बाबा का अवतार हुआ, रामकृष्ण परमहंस जी का अवतार हुआ, विवेकानंद जी का अवतार हुआ, तो इन महापुरुषों का अवतार क्यों? क्योंकि संत अवतार के रूप में है। तो वहाँ कारण क्या है कि वो तो एक सृष्टि की जो व्यवस्था है वो ठीक ठीक चलती रहे, तो इसलिए कह रहे हैं कि कोई विशेष कारण खोजने की जरूरत नहीं है। मैं भक्तों की भलाई के लिए अपनी इच्छा से समय समय पर स्वयं ही अवतीर्ण हुआ करता हूँ। यह संपूर्ण संसार मेरी लीला है। मुख्य वाक्य आज के पृष्ठ का यही है, संपूर्ण संसार मेरी लीला है। क्यों? क्योंकि भगवान अभिन्न निमित्तोपादान कारण है संसार के, वही बनाने वाले हैं और वही बनने वाले हैं, इसको कभी नहीं भूलना है। सनातन धर्म में, वैदिक सनातन धर्म में, जब तक अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानकर हम भगवान को नहीं समझेंगे तब तक ये कठिन से कठिन है, आगे आवेगा, और सरल से सरल है। अगर हमको ये बात पकड़ में आ गई कि संपूर्ण संसार ठाकुर जी की लीला है, यह सब मैं ही हूँ, इसी से चाहे किसी भी शरीर में मैं प्रकट हो सकता हूँ। जब कुछ भी, सब कुछ मैं ही हूँ, तो प्रकट होने का अर्थ क्या है? प्रकट होने का अर्थ है कि अब जितना जितने लोग हम बैठे हैं वो सब ठाकुर जी हैं, पर प्रकट कहाँ है? प्रकट तो संतों में रहते हैं, संतों में देखते हैं कि निरावरण है। हमारे में हैं ठाकुर जी, परमात्मा है, पर वो आवरण, आवरण उनकी ओर से नहीं है, आवरण हमारे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्य, राग, द्वेष, ये जितने आवरण हैं, जितने पर्दे हैं, वो हमारे द्वारा किए हुए हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं कि मैं कहीं भी प्रकट हो सकता हूँ। तो इसीलिए कहते हैं कि छोटे बच्चे की भी बात को ध्यान से सुनना चाहिए। महर्षि कहा करते थे कि 24 घंटे में हर एक व्यक्ति जितने हैं संसार में, एक क्षण ऐसा होता है जिससे उसके द्वारा सत्य बात प्रकट हो जाती है, और वो कौन सी बात है, कौन सा क्षण है, वो हम लोगों को पता नहीं है। इसलिए उतने क्षण में, यानी वो जो पर्दे हैं वो हट जाते हैं और ठाकुर जी से एक होके वो व्यक्ति बोल पड़ता है। तो इसलिए
किसी भी चीज की उपेक्षा नहीं करनी। कह रहे हैं कि ये संपूर्ण संसार मेरी लीला है, ये सब मैं ही हूँ, इसी से चाहे किसी भी शरीर में मैं प्रकट हो सकता हूँ, किसी भी समय किसी भी स्थान पर और किसी भी वस्तु के रूप में मुझे पहचाना जा सकता है और वास्तव में मैं वहीं रहता हूँ। जब सभी रूप में हो गए तो ये समझने का बहुत सरल तरीका हो गया, परंतु समस्या क्या है, मैंने हरा चश्मा पहना हुआ है, अब मैं बाहर जा रहा हूँ तो मुझे सब चीज़ें हरी हरी दिखाई दे रही है, तो इसलिए वो तो सब है, पर चूंकि हमने ये राग द्वेष का चश्मा पहना हुआ है तो जहाँ हमारा राग है वहाँ हमको प्रेम है, वहाँ हम अपने संसार में अपने लगे हुए हैं, और जहाँ द्वेष है तो वहाँ हमारा प्रेम नहीं है, तो उससे हम हटने की कोशिश करते हैं। तो ये जो हमारा चश्मा है वो हमको ठाकुर जी का दर्शन नहीं होने देता। ईशावास्य उपनिषद में आया है, ईशावास्य मिदगम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत, इस जगत में जो कुछ है उसको ईश बुद्धि से पाट दो, सब कुछ ईश्वर है, उसी को तो कह रहे हैं मत्स्य भगवान राजन को। तो प्रश्न उठेगा कि क्या इस समय ईश्वर नहीं है कि हमको पाटना पड़ेगा, जो उपनिषद कह रही है कि सबको ईश से भगवान से है ना आच्छादित कर दो, यानी भगवान को ही देखो और कुछ मत देखो। तो बात सच्ची है तो सचमुच में सब भगवान ही, पर उपनिषद पाटने को क्यों कह रही है कि सबको आच्छादित कर दो ईश्वर से, सिया राम में सब जग जानी। तो ये इसलिए कह रही है कि इस समय ये जो संसार है वो राग द्वेष से आच्छादित है, ईश्वर से आच्छादित नहीं है। प्रत्येक जितने हम लोग बैठे हैं सबके अपने अपने राग द्वेष हैं, किसी के कम है किसी के ज़्यादा हैं, वो जैसे जैसे हम साधना करेंगे वैसे वैसे ये राग द्वेष का जो चश्मा है ना वो जब हटेगा तब ये दृष्टि प्राप्त होगी जो यहाँ मत्स्य भगवान कह रहे हैं कि किसी भी समय किसी भी स्थान पर और किसी भी वस्तु के रूप में मुझे पहचाना जा सकता है और वास्तव में मैं वहीं रहता हूँ। परम पूज्य महाराज श्री प्रत्येक बुधानंद जी आते हैं सुनाते हैं कि ब्राह्मण बालक आया, जनेऊ पहने था, शिखा थी, तो आके महाराज श्री को प्रणाम करके बैठ गया। तो प्रत्येक बुधानंद जी ने महाराज श्री को कहा कि ब्राह्मण बालक है, या जानते रहे होंगे क्योंकि शिखा और यज्ञोपवीत तो क्षत्रिय और वैश्य को भी होती है, पर स्वामी जी जानते रहे कि वो ब्राह्मण बालक था। तो महर्षि ने बड़े ध्यान से बालक को देखा और बोले कि हमको तो बालक दिखाई दे रहा है। तो महर्षि का कहने का भाव क्या था कि ये जितने अध्यारोप हैं वो हम करते हैं, वो तो बालक ही है, यानी वो तो परमात्मा ही है, पर वो परमात्मा को परमात्मा न देख के है ना पहले तो बालक देखा, फिर बालक के ऊपर ब्राह्मण बालक देखा है ना, फिर ब्राह्मण बालक पे ये बहुत अच्छा बालक है। तो ये जितने अध्यारोप हैं व्यवहार के लिए ठीक है, व्यवहार तो ऐसे ही होगा, पर दृष्टि क्या रखनी है वो बता रहे हैं कि किसी भी समय किसी भी स्थान पर और किसी भी वस्तु के रूप में मुझे पहचाना जा सकता है और वास्तव में मैं वहीं रहता हूँ। परंतु जब लोग मुझे नहीं पहचान पाते तो मैं अपने आप को स्वयं प्रकट करता हूँ। पहचानना कठिन है, इसी को आगे बताएंगे महाराज कि सरल से सरल भी है कठिन से कठिन भी है। तो जब लोग मुझे नहीं पहचान पाते तब मैं अपने आप को स्वयं प्रकट करता हूँ और किसी भी रूप में प्रकट करता हूँ। मेरे लिए मनुष्य और मछली के शरीर में भेद नहीं है, मैं ही सब हूँ।
जिसने सब रूपों में मुझे पहचान लिया उसने मेरी लीला का रहस्य समझ लिया। एक एक वाक्य महर्षि का गजब का है। क्या कह रहे हैं? जिसने सब रूपों में मुझे पहचान लिया उसने मेरी लीला का रहस्य समझ लिया। कहीं से मुझे हटाया नहीं जा सकता। तिरुपति बालाजी में अभी हमारे माया शंकर गए थे तो इतनी भीड़, जो लोग गए हैं जानते हैं, महाराज वहाँ आप बालाजी के सामने आओगे तब तक तो आपको धक्का देके पीछे वाले है ना, यानी इतनी लंबी यात्रा करके आप वहाँ पहुँचे कि भाई थोड़ा बालाजी का अच्छी तरह से दर्शन कर ले, संभव ही नहीं है। और वो जो रहते हैं उसमें लाइन में घंटों घंटों लाइन के बाद नंबर आता है, 8-8, 10-10 घंटे 12-12 घंटे लाइन में खड़े हैं, और उसके बाद जब नंबर आता है तो जैसे ही बालाजी के सामने खड़े हुए तो अब एक व्यक्ति बड़ा परेशान कि कहाँ तू, इतना हमने समय लगाया और कहाँ ठाकुर जी दर्शन ही नहीं दे रहे, धक्का दे रहा था आगे वाले को, धक्का दे के है ना कि कैसे भी मुझे दर्शन होवे। और मन ही मन अब चूंकि उसको भी धक्के लग रहे थे और वो और ज़्यादा धक्के दे रहा था, थोड़ा बलवान था और कह रहा था कि आप दर्शन नहीं दे रहे हैं। तब ठाकुर जी को कहना पड़ा, उसके हृदय में आवाज़ आई कि मैं दर्शन दूँ कैसे, तू तो मुझे धक्का दे रहा है। तो क्या कह रहे महाराज श्री कि जिसने सब रूपों में मुझे पहचान लिया उसने मेरी लीला का रहस्य समझ लिया। अरे ठाकुर जी जो चेतन रूप में है उसको तो हम धक्का मार के, बल्कि भी उसका तो हाथ पांव भी टूट सकता है क्योंकि बहुत बलवान था वो है ना, कहीं से मुझे हटाया नहीं जा सकता। चाहे जिस रूप में मेरे अस्तित्व का विश्वास किया जा सकता है, चाहे जिस रूप में। क्यों कह रहे हैं? अरे भाई आतंकवादी है ना, दुष्ट है, गुंडा है, बदमाश है। रावण क्या थे? रावण कुंभकर्ण यही थे, पार्षद जय विजय, भगवान जान रहे थे है ना। भगवान क्रोध का आह्वान करना पड़ा, भगवान को क्रोध ही नहीं आ रहा है रावण को मारने के लिए। गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में, क्यों? क्योंकि वो तो जान रहे हैं ना। हम लोग तो, स्वामी हंसानंद जी कहते हैं कि भगवान ने रावण को, जय विजय को कहा कि ये जो है राम अवतार एक बार नहीं होता, बहुत बड़े सर्कल के बाद फिर होता है, फिर होता है। तो अब जब राम अवतार का समय आया तो कहा कि भाई चलो रावण कुंभकर्ण बनना है तुमको। रावण ने साफ मना कर दिया, बोले मैं नहीं बनूंगा। रावण मतलब जिसको जय को रावण बनता और विजय को कुंभकर्ण बनना था, बोले मैं नहीं बनूंगा। इस बार बड़ा मनाया भगवान ने, भाई तू ही वैसे कर सकता है और तो कोई नहीं कर पाएंगे। बोले नहीं, पर तुम कारण तो बताओ कि क्यों नहीं बनना चाहते, लीला ही तो करनी है। बोले भले लीला करनी है पर आप तो हमको लीला में मार देते हैं, पर ये दुनिया वाले कहाँ छोड़ते हैं, वो तो हर वर्ष हमारा पुतला जलाते हैं है ना। तो मैं रावण नहीं बनूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि महर्षि कह रहे हैं कि कहीं से मुझे हटाया नहीं जा सकता, चाहे जिस रूप में मेरे अस्तित्व का विश्वास किया जा सकता है। तो इसलिए जो भक्त लोग हैं वो जानते हैं कि रावण और कोई नहीं है, है ना। देखिए इसीलिए कल मैंने बताया था कि सीता को भगवान ने पहले ही, महाभारत में वो बात आई थी, एक श्लोक आया था, भगवान राम जो हैं सोने का मृग थोड़ी होता है, पर सोने के मृग के पीछे लग गए, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। तो हमने स्कूल में ये श्लोक पढ़ा था। तो विनाशकाली विपरीत बुद्धि हम लोगों के लिए, ठाकुर जी के लिए थोड़ी, ठाकुर जी को तो लीला करनी है। तो इसलिए सचमुच में महाभारत में दिखाया जा रहा है कि एक ही प्रभु, पहले से उन्होंने पूरा जो नाटक खेला जाएगा उसको लिख दिया है। अब उस नाटक को लिख दिया है तो जिसका जो भूमिका है
उसको वही खेलना पड़ेगा, वो कोई युधिष्ठिर के हाथ में थोड़ी है कि वो अपना मर्जी आवे वैसे ही कर ले, उसको तो वही करना पड़ेगा। धृतराष्ट्र को देखिए, दोनों के लिए आया, बड़े बड़े लोग सब ने धृतराष्ट्र को मना किया, मत बुलाइए जुए के लिए, दूसरी बार ऑर्डर दे दिया, वीटो पावर है, भेज दिया प्रातिकामी को, प्रातिकामी बुला लाया, चलो युधिष्ठिर आ गए। अब युधिष्ठिर को सब लोग मना कर रहे हैं, पर वो जो प्लॉट है, जो भगवान ने जो लिखा है क्या ड्रामा बनना है ना, उसके विरुद्ध वो थोड़ी खेल सकते हैं। युधिष्ठिर को जो पाठ दिया गया है वैसे ही उसको करना पड़ेगा। सबने मना किया पर बोले नहीं हम खेलेंगे। अब 12 वर्ष का वनवास हो गया है और 1 वर्ष का अज्ञातवास, अब आगे कथा चलेगी। तो ये तो महाराज हम सोचेंगे कि युधिष्ठिर को ऐसे नहीं करना चाहिए था, तो आगे कथा ही नहीं चलेगी, है ना। जो महाभारत युद्ध होना है पूरा का पूरा जो लिखा गया है, जैसे ड्रामा लिखते हैं पहले उसके बाद बता देते हैं तुमको ये करना है ये करना है, तो वो अपने मन से ही करने लगे। इसीलिए हमारे स्वामी गिरिशान जी बहुत बढ़िया बात सुनाते हैं, बोले कि वो जो था उसको पैसा नहीं दिया था रावण जो बना था, है ना, तो अब ठीक से जितना पैसा उसको मिलना चाहिए था पिछली रामलीला में नहीं मिला, तो अगली रामलीला में रावण तो बन गया, पर अब भगवान राम मारे और उसको पीछे पर्दे से कह के अब तुमको मरना है, मरे ही नहीं। तो फिर पूछा कि भाई बात क्या है, तुम मरते क्यों नहीं हो, बोले कि पिछली बार का पैसा अगर दोगे तब मरूँगा। ये बड़ा विचित्र है, तो ऐसे अपने मन से थोड़ी किया जाएगा, सब खेल बिगड़ जाएगा। इसलिए इन लीलाओं को समझना है। इसलिए कह रहे हैं महाराज श्री कि चाहे जिस रूप में मेरे अस्तित्व का विश्वास किया जा सकता है, पर हम लोगों को नहीं होगा विश्वास, क्यों, क्योंकि एकाएका युधिष्ठिर है ना, तो नहीं, ऐसा नहीं। ये जो है शास्त्र, इसमें बड़े रहस्य छुपे हुए हैं, तो उन रहस्यों को हमको हृदयंगम करना है। बात असल में यह है कि भगवान की लीला का रहस्य कठिन से कठिन और सरल से सरल है। कठिन क्यों बन रहा है, क्योंकि हमारे अपने पर्दे हैं, हमारी अपनी मान्यताएं हैं, हमारी अपनी बुद्धि है। उस बुद्धि को जब तक हम समर्पित नहीं करेंगे तब तक शास्त्रों के रहस्य नहीं समझ में आ सकते। इसलिए पहले कठिन वाली बात महर्षि बता रहे हैं। कठिन इसलिए कि संपूर्ण वेद शास्त्र पुराण उनका वर्णन करते करते हार गए, उन्हें ढूंढते ढूंढते थक गए, अंत में नेति नेति कहकर चुप हो गए। भगवान का रहस्य उतना ही दुर्बोध बना रहा। अरे औरों की बात छोड़ो, स्वयं भगवान ने अपनी लीला का शस्त्र शस्त्र मुख से वर्णन करने के लिए शेषनाग का रूप धारण किया। न जाने वे कब से वर्णन कर रहे हैं और न जाने कब तक करते रहेंगे, परंतु वे भी लीला के रहस्य का पार नहीं पा सके और न तो पाने की संभावना ही है। कारण भगवान अनंत हैं, उनकी लीला अनंत है, उनका रहस्य अनंत है। जब अंत है ही नहीं तब वे स्वयं अंत कैसे पा सकते। इस पैराग्राफ में महर्षि ने स्पष्ट समझा दिया कि कितना कठिन है, अत्यधिक कठिन है। यानी स्वयं भगवान जो कि समर्थ हैं वो भी, और उसमें कारण भी बता दिया कि क्यों नहीं पा सकते वो अपना अंत, क्योंकि अंत होवे तब तो पावे, और जब स्वयं अनंत स्वरूप है तो कैसे अंत पाएंगे। इसलिए वेदों को भी शास्त्रों को भी आखिर में नेति नेति कह के चुप हो जाना पड़ता है। इसीलिए दक्षिणा मूर्ति करके शंकर संप्रदाय में बहुत गजब के भगवान शंकर के अवतार हैं, और उनका जो उपदेश है वो है मौन, बस ये 3 उंगलियाँ ऐसे और ये अंगूठा और ये, यानी ये जो जीव और ये जो ब्रह्म ये दोनों एक हैं, और ये त्रिगुण ये जो माया है ना, उसको हटा दो, बस बोलते कुछ नहीं है। और इतने में ही सनत कुमार वगैरह
सब समझ गए। क्यों? क्योंकि सनत कुमारों को ज्ञान चाहिए था, पर वो ऐसे महापुरुष से ज्ञान चाह रहे थे, है ना, जो कि निवृत्ति परायण हो। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी तो वहाँ तो बैठी हैं, सरस्वती, है ना, विष्णु के पास वहाँ लक्ष्मी, शंकर जी के पास वहाँ पार्वती, उनको पसंद ही नहीं आए। संत कुमार तो स्वयं निवृत्ति परायण है। तब भगवान शंकर समझ गए कि ये ऐसे काम नहीं चलेगा, तो स्वयं दक्षिणामूर्ति के रूप में, दक्षिण में इनकी बड़ी मान्यता है, और दक्षिणामूर्ति स्तोत्र पे हमारे ओंकारेश्वर के स्वामी रामानंद जी ने आनंद वृंदावन में प्रवचन किए, बहुत गजब के प्रवचन। तो कहने का अर्थ यह है कि बोल के बताया ही नहीं जा सकता कि भगवान क्या है, इसलिए कठिन से कठिन। अब दूसरा सुन लीजिए, सरल। सरल इसलिए कि वे इतने कृपालु हैं कि उन्हें कभी ग्वाल बालों के साथ नाचना पड़ता है, ग्वालिनों के घर माखन चोरी की लीला करनी पड़ती है, और रस्सी से बंधकर रोना पड़ता है। छोटे छोटे राक्षसों को मारने के लिए उस अजन्मा भगवान को जन्म लेना पड़ता है, जिनके के संकल्प मात्र से सारी सृष्टि का संहार हो सकता है। महात्मा लोग कहते हैं कि मच्छर को मारने के लिए तोप की जरूरत थोड़ी है, तोप का गोला वो तो भाई युद्ध में काम आएगा, है ना, मच्छर को मारने के लिए तोप का गोला थोड़ी जरूरत है। तो ये राक्षस वगैरह क्या है भगवान के सामने? कुछ नहीं है, सिर्फ संकल्प करें, इनका पैदा ही नहीं हो। पर देखिए लीला क्या करते हैं, स्वयं अजन्मा है, जन्म लेते हैं। अजन्मा भगवान को जन्म लेना पड़ता है, जिनके के संकल्प मात्र से सारी सृष्टि का संहार हो सकता है। इसीलिए भक्त लोग जो हैं वो हमेशा फायदे में हैं। क्यों? नाम रूप लीला धाम, सविशेष लीला का चिंतन और उसी में मगन, और जो भी है ज्ञान देना है, कुछ भी करना है, भगवान को जो करना है करते हैं। गोपियों को ज्ञान दिया कुरुक्षेत्र में भगवान ने, इसलिए सरल से सरल। यह दया की बात अंतिम वाक्य है महर्षि का, और ये वाक्य बहुत ही गजब का वाक्य है। ये जो दया है, यानी ये जो सरलता है भगवान में, यह दया की बात इतनी सरल से एवं सरल है कि कोई भी सहृदय व्यक्ति, है ना, ये जो निष्ठुर व्यक्ति और कठोर व्यक्ति वेदांती लोग, हमारे जैसे लोग, उनके काम की बात नहीं है, पर सहृदय व्यक्ति है जिसका हृदय द्रवित हो जाता है कथा सुन के, जिसको, है ना, आंसू नहीं रुकते, झरझर आंसू बहते हैं, ऐसे व्यक्ति को भगवान की दया का स्मरण करके रोए बिना रह नहीं रह सकता। कितनी कृपा है। नारायण 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 नारायण, श्री राम जय जय।